आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है। दोस्तों मैंने कल क्राइम अफेयर्स पे बताया था कुछ ऐसे राज जो आपको पता होने चाहिए लॉरेंस बिश्नोई और बाबा सिद्दीकी, तो वो क्राइम अफेयर्स पे आप लेक्चर जरूर देखिएगा। वो मैंने किया था, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस लेक्चर में इसमें हम एक एक चीज और क्या हुआ है पिछले 48 घंटे में, कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे जो आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि भाई ये कैसे। देखिए दो चीजें हैं, क्या ये वाकई में मर्डर लॉरेंस बिश्नोई ने किया है, क्या बाबा सिद्दीकी का मर्डर इसमें लॉरेंस बिश्नोई शामिल है, या फिर ये कोई दुश्मनी है। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, और पुलिस भी ये मान रही है कि दूसरी थ्योरी ज्यादा इसमें बल मिल रहा है कि शायद लॉरेंस बिश्नोई इसमें शामिल हो या फिर नहीं हो। ना होने नहीं, यहां पे आपसी दुश्मनी का कुछ ज्यादा हमको चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन हम इस बात को लकार नहीं सकते कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में पैठ जमाना चाहता है। तो यह भी बात बिल्कुल सच है कि देखिए 15 साल लग गए अंडरवर्ल्ड को खत्म करने में, अब यहां पर एक एम्प्टी स्पेस है, लॉरेंस बिश्नोई को भरना चाहता है। सलमान खान तो एक बहाना है, सलमान खान के जरिए वो दहशत फैलाना चाहता है कि भाई हम आ गए हैं और पैसे लाओ, उगाही करो। उसने एक बहुत बढ़िया रेसिपी तैयार कर दी है, उसने रेसिपी एक तो नेशनलिज्म की कि जैसे दाऊद इब्राहिम, उसने तो भाई बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, लेकिन यहां पे हम भगत सिंह के भक्त हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बढ़िया एक दूसरे रेसिपी जो है वो तैयार कर दी है, लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं इस पर कई बार। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 700 के करीब शूटर्स जेल के अंदर से वो ऑपरेट कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, जेल के अंदर से वो इंटरव्यू दे दे रहा है, जेल से अंदर से ऑपरेट कर रहा है, और फिर हम यहां पे बैठ के तालियां बजा रहे हैं। तो बाबा सिद्दीकी का मर्डर आखिरकार हुआ क्यों, क्या इसमें लॉरेंस बिश्नोई शामिल है या फिर कोई और इसका रीजन, हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा शानदार, देखिए अगर आप यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर आप रोजगार ढूंढ रहे हो, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, और अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग, भाई देखिए आपको अपने ब्रांड को बिजनेसमैन हो तो हर जगह पहुंचाना है, तो हम YouTube का एक शानदार कोर्स लेके आए, सिर्फ 400 रुपए में। आमतौर पे बड़े महंगे कोर्स होते हैं, तो ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। लाइव क्लासेस होगी, मिनिमम 3 मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स, जो हमारे निखिल सर हैं वो बहुत सारे चैनल्स के साथ जुड़े हैं, बड़े बड़े चैनल के साथ, आपको बताएंगे कितनी जल्दी उन्होंने ग्रो कराया, तो आपका भी चैनल ग्रो कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करते हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई 1998 में सलमान खान के बगल में बैठे थे, सैफ अली खान, पीछे सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी, और उसके पीछे 2 ड्राइवर, एक तो संजय दुलानी था और एक दुष्यंत जो कि गार्ड था, वो गाइड था। रात में कंकाणी गांव में ये लोग निकलते, इनका आरोप है इनके ऊपर ऐसा, क्योंकि भाई देखिए अनलेस प्रूवन गिल्टी तो सलमान खान तो बरी हो गए, तो हम ये तो कह नहीं सकते, लेकिन जो भी है ये रात में निकलते हैं और ठाक ठाक आवाज आती है। गांव के एक जो विटनेस है उन्होंने बताया कि जब हम गए तो हमने देखा एक जीप थी, और हमारा जो काल, देखिए जो भगवान जम्बेश्वर है, जो बिश्नोई समाज एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, उनके 20 रूल्स हैं, और वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आपको चोरी नहीं करनी है, आपको शराब नहीं पीनी है, आपको जीव हत्या नहीं करनी है, और यहां पे काले हिरण को भगवान माना जाता है। कहते हैं कि बाबा जम्बेश्वर जो है वो भगवान के रूप में, काले हिरण मतलब भगवान एज अ काला हिरण आए वो, ठीक है, काला हिरण वो भगवान का ही रूप है, ठीक है, तो उनकी पूजा की जाती है। तो अब क्या है कि यहां पर जब काले हिरण को मारा तो यहां दिमाग खराब हो गया सबका, तो सब के सब वहां पे जमा हो गए। तो बताते हैं कि उस समय तब्बू चिल्लाने लगी और सलमान खान ने उन्हें को चुप कराया। अब देखिए सब आरोप है, हमको नहीं पता क्योंकि कोर्ट में तो साबित हुआ नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ कि जब जीप वो जा रही थी तो पीछे का नंबर नोट कर लिया। अब जब नंबर नोट किया तो देखा भैया कौन है ये, आखिरकार ये है कौन जो है ये। तो जब नंबर नोट किया तो पता चला कि यादव जी की गाड़ी, यादव जी ने बताया कि भैया हमने तो ये गाड़ी है एक क्रू को दे दी, मूवी के क्रू को, तो हम साथ साथ है कि शूटिंग चल रही थी। वहां से सलमान खान को उठाया गया, बाकी तीनों को भी उठाया गया, तीनों बरी हो गए। एविडेंस नहीं मिला, लेकिन सलमान खान को हुई जेल, 18 दिन के लिए जेल गए 1998 में। फिर 2006, 2007, 2018 में उनको 5 साल की सजा मिली, लेकिन बेल मिल गई 2 दिन बाद। अब इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि मैं मार दूंगा सलमान खान को, सिर्फ सीधा सीधा उसने धमकी दी कि या तो सलमान खान आके माफी मांगे, जो हमारा मुक्तिधाम मंदिर है, और अगर आप नहीं माफी मांगते हो तो हम फिर अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अब ये लॉरेंस बिश्नोई कई बार कर भी चुका है, भाई संपत नेहरा को उसने रिक्रूट किया, संपत नेहरा को रिक्रूट किया, ये तो सही समय पे गिरफ्तार हो गया वरना तो शायद निपट जाते सलमान खान। उसके बाद सलमान खान का जो पनवेल में फार्म हाउस है वहां पे सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती कर ली थी एक शूटर ने, गोल्डी बरार ने भेजा था,
तो उसमें भी सही समय पर गिरफ्तार हो गया। एक मेल आई, चिट्ठी आई, लेकिन 14 अप्रैल को अभी यहां पे बोला कि आखिरी वार्निंग हम तुमको दे रहे हैं और यहां गोलियां चलाई, जिसमें विकी और सागर को गिरफ्तार किया गया। 9 लोग थे हालांकि इस पूरी प्लानिंग में शामिल। और फिर यहां पे जुलाई में जब मुंबई पुलिस चार्जशीट दायर करती है तो उसमें साफ साफ ये लिखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि लॉरेंस बिश्नोई है इसके पीछे, हो सकता है ना। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि रियल इस्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी थे बाबा सिद्दीकी के। तो हो सकता है जो कंटेंशियस रियल इस्टेट डील थी, जो स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था धारावी में सबसे बड़ा, तो स्लम आपको पता है कि मुंबई में सबसे बड़ा स्लम एरिया है धारावी, तो वहां पे स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कई बार उसको डेवलप करने की कोशिश की गई है बट नहीं हो पाया है। तो उसमें यही है कि हम फ्लैट बनाएंगे झुग्गियों को तोड़ के, जिसमें कुछ फ्लैट्स जो है वो गरीबों को दिए जाएंगे और बाकी जो फ्लैट्स है वो खरीदने के लिए डाल दिए जाएंगे। तो यहां पे इसमें भी इनका नाम आया, ठीक है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की बात की गई थी, यहां पे स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स था, धारावी नहीं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, यहां पे बाबा सिद्दीकी कह रहे थे कि यहां पे रेसिडेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और सबसे एक्सपेंसिव रियल इस्टेट डील ये बताया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बाबा सिद्दीकी को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब आपको मैं एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूं, जो टारगेट था वो बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी दोनों थे, समझ रहे हो, दोनों टारगेट थे। आप ये समझिए सिर्फ बाबा सिद्दीकी टारगेट नहीं थे। तो यहां पे लगभग 462 करोड़ अंडर दी पीएमएलए, इतने पैसे इतनी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की ईडी ने, क्योंकि अगेन रियल एस्टेट, यहां पे बताया कि ये माडा महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा कि पूरे शहर में जो लोकल अथॉरिटीज होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, इसमें जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है ना वो सबसे शानदार होती है। आप पूरे जैसे लखनऊ है, लखनऊ में यहां पे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए, तो एलडीए के मकान बहुत महंगे हैं और एलडीए की कॉलोनी बहुत डेवलप होती है, आमतौर पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता, मॉल यही बनते हैं क्योंकि बहुत ही बढ़िया कॉलोनी होती है। एलडीए के प्लॉट जैसे निकलते तुरंत बिक जाता है, बहुत अच्छा खासा इनका रेट होता है। ऐसे यहां पे हर शहर की जो है वो अपनी कॉलोनी होती है, महाराष्ट्र में भी वही, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी तो इसके चेयरमैन रहे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कितना भयानक करप्शन होता है, ठीक है, कितना पीडब्ल्यूडी हो गया डेवलपमेंट अथॉरिटी में, भयानक करप्शन होता है। तो यहां पे बताया गया कि जब ये माडा के चेयरपर्सन थे तो इन्होंने अपनी पोजीशन को मिसयूज किया और इनका जो पॉलिटिकल करियर भी देखिए, यहां पे 48 साल तक ये कांग्रेस में थे, 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और उसके बाद ये एनसीपी पे आए। बता रहे हैं कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे थे, कांग्रेस ने ये इनके ऊपर इल्जाम लगाए थे कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको एक्सपेल किया गया और उसके बाद फिर ये एनसीपी में आए। लेकिन ये हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट में ये नई बात नहीं है कि जितने क्राइम हो रहे हैं रियल एस्टेट की वजह से हो रहे हैं, बड़े बड़े मर्डर्स हो रहे हैं, अंडरवर्ल्ड का रियल एस्टेट में अच्छा खासा स्टेक था, पहले तो बहुत ज्यादा था। तो ये अरबों रुपए की डील होती है, तो इसमें क्या है, किससे दुश्मनी है, वी डोंट नो। थ्योरी इसी पे और पुलिस इसी पे ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन दोस्तों मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो शायद आपको अजीब लगे, बट इसमें लॉरेंस बिश्नोई की प्रेजेंस कंफर्म कैसे होती है। पहली बात, इनकी प्लानिंग देखिए आप, 3 लोग नहीं शामिल थे, 6 लोग शामिल थे। बिल्कुल, कौन थे ये 6 लोग, लगभग पहले देख लेते हैं, नहीं पहले मैं आपको बता देता हूं पूरा का पूरा क्या हाल था। 6 लोग कौन थे, सबसे पहले तो इसमें जिसको गिरफ्तार किया गया वो धर्मराज है, ठीक है, एक प्रवीण करके है, प्रवीण, और एक गुरमेल है। गुरमेल कौन है, जीशान भी इसमें शामिल है, एक जीशान करके है। जीशान एक मर्डर केस का आरोपी, इसको पंजाब जेल भेजा गया था आज से 5 साल पहले, पंजाब जेल में बंद था, वहां पर इसकी मुलाकात हुई गुरमेल से, ठीक है, और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से, ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से दोस्ती हुई। गुरमेल भी मर्डर केस के अंदर था, बाद में दोनों को जमानत मिली, दोनों साथ में आए और एक प्लान बताया गया कि एक शूटिंग करनी है, एक को मारना है, तो यहां पे प्लानिंग जो है वो शुरू की। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों साथ में आए, साथ ही साथ पुणे में एक प्रवीण लोनाकर और शुभम लोनाकर, ये वही शुभम लोनाकर है जिसने पोस्ट डाली थी, जिसने जो सोशल मीडिया फेसबुक पे पोस्ट डाली थी ना कि एक तो अनुज, ठीक है ना, अनुज और उसकी मौत का बदला लिया और जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा हम उसको टारगेट करेंगे, ये वही है। तो शुभम का सगा भाई है प्रवीण,
ये दोनों बता रहे हैं कि पुणे में इनकी एक डेयरी थी। डेयरी क्या मतलब, एक चट्टा था, है ना, वहां पे लोग गाय भैंस पालते थे और वहीं पे ही काम करता था धर्मराज और शिव कुमार, ये दोनों काम करते थे वहां पे। कबाड़ी का बिजनेस पहले इन्होंने किया, फिर यहां पे काम करने आए थे, बहराइच से आए थे। उसके बाद भाई ये लोगों को खबर लगी कि ऐसी प्लानिंग चल रही है, तो ये सब के सब शामिल हुए। फिर बताया जा रहा है कि धर्मराज और शिव कुमार को तो पता भी नहीं था, 50,000 रुपए इनको दिए गए, बोला कि 50,000 रुपए देंगे तुमको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करनी है। फिर इसने इन्होंने सितंबर में कुरला में किराए का मकान दिया, जिसमें 14,000 रुपए महीने का किराया देते थे गुरमेल, शिव कुमार और धर्मराज, ये चार, जीशान नहीं था, ठीक है, जीशान साथ में नहीं रहता, लेकिन ये तीनों साथ में रह रहे थे। अब ये तीनों जो है वो रेकी करते थे, डेली ये जाते थे सिद्दीकी के ऑफिस को, देखते थे कौन है क्या है, सब कुछ करते थे ये। उसके बाद इनको पिस्टल दी गई, बता दूं कि 28 जिंदा कारतूस, 2 पिस्टल मिली है, लेकिन पिस्टल दी गई। अब ये देखते हैं कि जब सब कुछ हो गया, इन्होंने देख लिया कि पूरा प्लान क्या है, कब आ रहे कब जा रहे, तो लगभग 9:15 बजे नर्सों, अब हुआ क्या कि भाई उस दिन रामनवमी थी, दशहरा था, तो दशहरे के दिन 12 अक्टूबर ये आए अपने बेटे के ऑफिस में आई है, और बेटे भी इनके विधायक, क्योंकि बांद्रा ईस्ट से वो हैं, ये बांद्रा वेस्ट से थे, वहां पे इन्होंने भी पटाखे फोड़े, दुर्गा विसर्जन चल रहा था, ये भी त्योहार में शामिल हुए। इनको वाइस सिक्योरिटी, मुंबई क्राइम ब्रांच ने बोला कि इनको वाइस सिक्योरिटी नहीं थी, पहले ये चल रहा था ना वाइस सिक्योरिटी, तो सलमान खान को मिल गया, इनको नहीं मिली थी। अब क्या है कि जब ये बाहर निकल रहे थे और अपनी कार की तरफ बढ़े, तो एक ऑटो रुकती है, ऑटो में से 3 लोग निकलते हैं, भाई शिव कुमार, गुरमेल, धर्मराज, ये तीनों निकले। इनके पास एक स्प्रे था मिर्ची का, तो कहते हैं कि जो पुलिस वाले थे अगल बगल उनकी आंखों में स्प्रे डाल दिया और इन्होंने स्मोक बॉम्ब मारा, तो धुआं हो गया और वहीं पे इन्होंने सारी गोली उतार दी और फिर ये भाग गए। शिव कुमार तो निकल गया, बाकी गुरमेल झाड़ियों में जाके छुप गया, हल्ला हो गया। अब बताते हैं कि शिव कुमार भागा, इन दोनों को पकड़ लिया, इसमें से लोगों ने समझे ये चोर है, ये चोरी करके भाग रहे, लेकिन बाद में पता चला कि बाप रे, बाबा सिद्दीकी को मार दिया। और उसके बाद फिर पुलिस आई और पुलिस अगली बगल थी, क्योंकि हाई प्रोफाइल एरिया है, तो पुलिस ने पकड़ लिया दोनों को। ये दो पकड़े गए हैं। अब उसके बाद जब ये फेसबुक पोस्ट डाली, तो फिर फेसबुक पोस्ट में देखा कि आखिरकार ये किसने डाली है, तो पूरा एड्रेस देखा गया, सब कुछ देखा गया, ट्रैक करके ये पुणे पहुंचे। पुणे में शुभम लोनाकर जिसने पोस्ट डाली थी वो तो नहीं था, शुभ लोनाकर, इसका भाई प्रवीण था। तो अभी 3 लोग कब्जे में है, शिव कुमार फरार है। परिवार कह रहे हमसे कोई लेना देना नहीं, धर्मराज की मां कह रही कि भाई हमको नहीं पता, 2 महीने पहले गया, क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता, गुरमेल के परिवार ने बोला हमको इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन धर्मराज और शिव कुमार का परिवार सकते में है कि ऐसा कैसे हो गया, ये लोग तो काम करने गए थे अभी 2 महीने पहले, ये हालत है। अब उसके बाद ये लोग, अभी 3 लोग जो है वो गिरफ्तार है, 3 लोग अभी फरार है, तो टोटल 6 लोग हैं। ऐसे ही जब 14 अप्रैल को सलमान खान के घर फायरिंग हुई थी ना, तो 9 लोग शामिल थे, गिरफ्तार भले 2 लोगों को किया था, 3 लोग बाद में वो वही जो अनुज था उसने तो अपने सुसाइड कर लिया था 1 मई को। तो ये हिसाब किताब है। अब क्या हुआ कि देखिए, ये तो हमने देखा यहां पे, चलो ये मैं आपको बता चुका हूं तो इसको दोबारा अब नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले धर्मराज कश्यप को पकड़ा, अब उसके बाद पिछले 48 घंटों से मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो पूछताछ कर रही है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है, लॉरेंस बिश्नोई का बिल्कुल नाम आया है। और यहां पे यही बताया जा रहा है कि जो मुंबई ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब बात यह है कि क्या बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा, भाई सलमान खान के और भी बहुत सारे दोस्त थे, तो बात देखो यही है कि डराने की कोशिश हो सकती है कि हम सलमान खान को भी मार रहे हैं, हम पॉलिटिशियन को भी मार रहे हैं, और जाहिर सी बात है इसमें पैसा ही एक्सटॉर्शन मेन है कि डरा के हमने सलमान खान को जब मार लिया तो तुम क्या किस खेत की मूली हो, हम जब सलमान खान तक पहुंच गए तो तुम किस खेत की मूली हो, तो किसी को भी डरा के पैसा ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आपको मैं एक चीज बताता हूं, मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि पुलिस और ये जो सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट जो खुलेआम गोली चला रहे हैं, गंदी गंदी पोस्ट डाल रहे हैं, वो धमका रहे लोगों को, इनको टेक डाउन किया जाए। ये मैं पिछले 3-4 सालों से बोल रहा हूं, इनको तुरंत टेक डाउन किया जाए, पुलिस इस पर संज्ञान ले। यही लोग बाद में जाके क्राइम करते हैं क्योंकि इनका माइंडसेट वही है ना, कोई बंदूक लेके जा रहा है कोई ऐसी। देखिए अब ये शिव कुमार, देखिए इसने अपने स्टेटस पे क्या डाला था, गैंगस्टर सोशल मीडिया पे लिखा था, ठीक है, यार तेरा गैंगस्टर है जानी, इस तरीके से अच्छा लगता है, बहुत जेल हो गई, बर्बाद हो गया ये शिव कुमार, पकड़ा जाएगा पूरा जीवन बर्बाद। अब 5-6 साल बाद इसको रिग्रेट होगा कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया। आपको लगता है बहुत अच्छा लगता है लोगों को कि हाँ भाई बहुत बढ़िया लैविश है, यंग लोग जो है ये दे आर ड्रॉन टुवर्ड्स, और यही तो लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 शूटर्स है, 700 शूटर्स
ऑन रिकॉर्ड, अब पता नहीं कितने और हैं, और लगातार यंग लोग आते जा रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि इसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, सब खत्म हो जाएगा। वो तो जेल में बंद है, वो तो बड़ा आदमी है, लेकिन आप क्या करोगे? तो शिव कुमार के 229 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, 49 अकाउंट्स को फॉलो करता, 33 पोस्ट जो है इसने किए थे और अपने आप को एज अ गैंगस्टर जो है वो दिखाया था। 2010 मूवी आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो उसका डायलॉग ये उमर सुरहदे की नहीं बिगड़ने की है, मुश्किल तो ये है कि मैं अभी तक पूरी तरीके से बिगड़ा नहीं हूं। तो बात ये है ना कि ये जितने भी पोस्ट है ना जो गैंगस्टर को लेके ऐसे कमेंट, इनको तुरंत टेक डाउन किया जाए तुरंत, क्योंकि यही आगे जाके कांड कर देंगे, ये समझना चाहिए। एक और पोस्ट की केजीएफ चैप्टर का कि पावर पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। अब आप देख रहे हो कि मूवीज का क्या इन्फ्लुएंस होता है, तभी मैं बता रहा हूं। एनिमल देखिए, हमारे यहां मूवीज को लोग पागलों की तरह फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नहीं करना चाहिए। तो एनिमल मूवी होगी और ये जो गैंगस्टर मूवी होगी जिसमें इतना ग्लोरिफिकेशन होता है, यही होता है, समाज पे बहुत खतरनाक असर पड़ता है। इन लोगों का दिमाग वल्नरेबल है, इतना परिपक्व तो है नहीं, अच्छे लिटरेचर नहीं पढ़ते, अच्छी किताबें नहीं पढ़ते, स्टडी नोट्स को नहीं देखते। तो अब होता क्या है कि भाई इसमें इंसान का ब्रेन वॉश होता है, वो इनकी तरह बनने की कोशिश करता है, उनको लगता है कि बहुत बड़ा मर्डर कर दें, कोई क्राइम कर दें, तो हम भी ऐसे रॉकी भाई जैसे हो जाएं, उनको अच्छा लगता है। और नतीजा क्या होता है, एक इंसान की जिंदगी चली जाती है, राइट? तो यही चीज है। तो पुलिस ने यही बोला कि यहां पे जो इनको मारने और इनके बेटे को भी मारने, दोनों को मारने का प्लान था, समझ रहे हो? और यहां यही बोला कि देखिए, वैसे तो बताया जा रहा है, इसने अपने धर्मराज बोला कि मैं 17 साल का, लेकिन आधार कार्ड बताता कि ये 21 साल का है, ठीक है, और इसकी एज वैसे कंफर्म हो गई 21 ही साल का है। अब कोई थ्रेट नहीं थी, जीशान मतलब यहां पे जो बाबा सिद्दीकी है उनको कोई भी थ्रेट नहीं थी, और वाई प्लस सिक्योरिटी इनको नहीं, र्यूमर है लेकिन वाई प्लस सिक्योरिटी इसीलिए इनको नहीं दी गई थी क्योंकि इनको कोई धमकी नहीं मिली थी। वाई प्लस सिक्योरिटी में 11 गार्ड्स, वाई प्लस सिक्योरिटी में आप नहीं भेज सकते। वही मैं भी सोच रहा था कि वाई प्लस सिक्योरिटी में भाई लगातार दो एनएसजी कमांडोज रहते हैं, एक एनएसजी कमांडो ऐसे 50 में भारी है, तो दो एनएसजी कमांडो आपके पास हमेशा रहेंगे, 11 आपके पास गार्ड्स रहते हैं। वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई सलमान खान को, ठीक है, और ज्यादा सिक्योरिटी उनको दे दी गई है, तो इनको वाई प्लस सिक्योरिटी नहीं मिली थी क्योंकि इनको कोई थ्रेट ही नहीं था। लेकिन दूसरा, हम ये भी इसको नकार नहीं सकते कि यहां पे बाबा सिद्दीकी का जो रिकॉर्ड है, हो सकता है उनकी किसी से दुश्मनी हो, रियल स्टेट में उनकी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो ये पॉलिटिकल राइवलरी भी हो सकती है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम यूज करने की भी कोशिश हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह कि मुंबई पुलिस जा क्यों नहीं रही है, क्यों लॉरेंस बिश्नोई को साथ में नहीं लेके आ रही, इसका रीजन यही है कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब से तिहाड़, फिर तिहाड़ पंजाब में खतरा था, तिहाड़ डाला गया, तिहाड़ से वो ऑपरेट कर रहा था, भाई इंटरव्यू दे दिया, फिर साबरमती जेल लाया गया, गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अब यहां पे होम मिनिस्टर का ऑर्डर है कि भाई आप इसको नहीं ले जा सकते, अगर आपको पूछताछ करनी है तो आप साबरमती आएंगे, आप गुजरात अहमदाबाद आएंगे, यहां से कहीं पे भी लॉरेंस बिश्नोई को नहीं लिया जाया जा सकता, ये है। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई, और ऐसी रिपोर्ट भी आ रही कि 9 दिन से लॉरेंस बिश्नोई कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब वो क्या कहते हैं साइलेंट फास्ट होता है ना, अरे यार उसका एग्जैक्ट नाम मैं भूल गया, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, कि बोल नहीं सकते, चलो तो एकदम बोल ही नहीं रहता 9 दिन तक। तो यही है, बाकी जो होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।